इलियासेट बागबान एक ऐसा नाम जो गुलबर्गा शहर में हमेशा से अवामी खिदमात के अलावा मुआशरे में बेदारी लाने और बच्चों में तालीम को आम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार इलियासेट बागबान ने कुल 4 दिनों के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मशहूर शख्सियत इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सईद अहमद सैयद को इन्वाइट कर इस प्रोग्राम को कामयाब किया गया है। इन मोटिवेशनल प्रोग्राम्स को इलियासेट बागबान ने शहर के एमएसकी मिल में मौजूद हुसैन पब्लिक स्कूल और इस्लामाबाद कॉलोनी में मौजूद हुसैन इंटरनेशनल स्कूल में ऑर्गेनाइज किया था। सईद अहमद सैयद एक मशहूर इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में 7 महीने ट्रैवल कर कुल 3,000 से ज्यादा मोटिवेशनल प्रोग्राम्स को अटेंड किए हैं और इलियासेट बागबान के इन्विटेशन पर यह गुलबर्गा विजिट कर बेहतरीन अंदाज में मोटिवेशनल स्पीचेस के जरिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के दिलों में नई उम्मीद जगाने का काम किए हैं। इस प्रोग्राम के पहले दिन इलियासेट बागबान ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस कर एमएसके मिल में मौजूद हुसैन पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और अगला सेशन टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम और टीचर्स वर्कशॉप के उनवान पर रखा गया था। इस सेशन में हाउ टू स्कल्पचर आवर सेल्फ परफॉर्मिंग स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग के अलावा इंटरेक्शन सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके अलावा इलियासेट बागबान ने मुआशरे के बिगड़ते हालात और नाजुक मरहले में लड़कियों को तालीम हासिल कर कैसे कामयाब होना है इस पे गौर कर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उनवान पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कई ऑप्शंस और अनक्लियर पैटर्न्स को डिस्कस किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स डे बाई डे लाइफ में अपग्रेड किया जा सके। टीचर्स और स्टूडेंट्स के फीडबैक को देख इलियासेट बागबान ने एक और प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया था। एमएसके मिल में मौजूद हुसैन पब्लिक स्कूल और इस्लामाबाद कॉलोनी में मौजूद हुसैन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम का बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट रहा और पेरेंट्स ने स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किए गए मोटिवेशनल और ओरिएंटेशन प्रोग्राम की तारीफ कर कहा इस तरह के प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज होने चाहिए। लगातार 4 दिनों तक चले इस मोटिवेशनल प्रोग्राम के कम्प्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स टीचर्स और पेरेंट्स के अलावा इलियासेट बागबान एंड टीम ने खुशी जाहिर की है और फीडबैक सेशन के बाद इलियासेट बागबान की जानिब से हुसैन इंटरनेशनल स्कूल में एक जनरल ओपन सेशन ऑर्गेनाइज कर सोसाइटी के दानिशमान और अपने खास सेलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया गया था जो सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। इलियासेट बागबान हमेशा से इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सोसाइटी में बिगड़ते हालात में सुधार लाने और न्यू जनरेशन को मोटिवेट करने की कोशिश करते आए हैं। मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं सबसे पहले मेरे मोहसिन और मशहूर मारूफ समाजी कारकुन और इस अदारे के रूए रवा हमारे दोस्त इलियास साहब का, तमाम ट्रस्टियान का, इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट का, चेयरमैन का, तमाम अहदेदारों का और ख़ासकर टीचर्स का मैं मशहूर हूँ, जिनकी बदौलत आज ये महफिल सजी है। Personality development means it's a continuously process, it till death तक चलने वाला काम है और उसमें सबसे बड़ा पहला step parenting का होता है जो हमने कल किया। आपके पास एक कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, उसको निखारने का, संवारने का, बनाने का काम टीचर का होता है। वो मड मट्टी का गोला आपके हवाले करते हैं, आप उसको आकार देते हैं। एक फन है टीचिंग, एक फन है कलाकारी है। ये टीचिंग वर्कशॉप जस्ट अपनी मर्जी से होता है या पार्टिसिपेंट की अपनी मर्जी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए और जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कोई भी चीज़ अधूरी है, पूरी नहीं हो सकती। याद रखिए, लेक्चर से, वर्कशॉप से, बोलने से, बयान करने से कोई नहीं बदलता। अगर बोलने से दुनिया बदलती तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। जो बोलने वाला होता है तो सुनने वाले में जब तक प्यास ना हो लर्निंग प्रोसेस रुका हुआ रहता है। इंसान बहुत कुछ सीखता है, किताबों से नहीं, सुनने से और देखने से सीखता है। स्विमिंग पे किताबें पढ़ने से तैरना नहीं आता, इच्छा हो सकती है। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। बोलने से नहीं बदलता, सुनने की प्यास भी चाहिए सर। जहां तक बोलने की बात है, मैं मजे की बात बोलूं, मैं मेरी बीवी को नहीं बदल सकता,
मैं मेरे बेटे को नहीं बदल सकता, लेकिन एक चीज है, अगर मैं अच्छा लिसनर हूं, अच्छा ऑब्जर्वर हूं, तो अपने आप को बदल सकता हूं। मुझे दुनिया को नहीं बदलना है साहब, बच्चों को नहीं बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है। मैं अपने आप को बदलूंगा, मुझे देखकर बच्चे बदले। तीन चीजें हम पर हावी हो चुकी हैं, सुस्ती, मस्ती, जबरदस्ती। ये तीन पागल है साहब, सुस्ती भी है, मस्ती भी है और जबरदस्ती भी है। तीन चीजें होती हैं साहब पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट का, हालात का। अब हालात से ही हम डिप्रेशन में जा चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, नफरत का शिकार हो चुके हैं, कुछ नहीं करके गुनाहगार हो चुके हैं। सुस्ती, मस्ती, जबरदस्ती, ये तीन ही फैक्टर है और कुछ भी नहीं है। जहां से जागे वहीं से सवेरा। जिन लोगों, जिन कौमों के पास कोई मकसद नहीं होता, ऐसे लोग उनके लिए जीते हैं जिनका कोई मकसद होता है। आज हमारी नौबत ऐसी ही, हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरे जैसा। हम किसकी चाहत के लिए, अभी मैं बता, किसकी चाहत के लिए, किसकी किसकी चाहत के लिए? अल्लाह की। तो किसी ने क्या भूख कहा है, रब्बुल आलमीन जहनों को कब खुलता है? उसकी चाहत पर। जहन, दिमाग, दिल, बदन और चार वेपन अगर सही हो, इनको जंग और धोने से बचाए, तो रब्बुल आलमीन कहता है एक तेरी चाहत, एक मेरी चाहत, मगर होगा वही जो मेरी चाहत। अगर वो सुपुर्द करता है अपनी चाहत को जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जिसमें तेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत। तवक्कल तो अल्लाह। हम रिस्क को लेकर इतना परेशान है, इतना परेशान है, मटलिज्म इतना हावी हो गया है। सवाल सदियों तक रहता है। खैर, दुनिया का ठेकेदार तो हम नहीं है, हमको अपने ऐसे का काम करना है, इतना सेल्फ एनालिसिस करना है कि बहादुर शाह सफर का बड़ा प्यारा शेर है, न थी हाल की हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। याद रखिए, तालीम तालीम तालीम, जुबानों की अहमियत को कट करके हम सिर्फ तालीम तालीम के पीछे जो बढ़ रहे हैं, तरबियत को छोड़कर, याद रखिए, जो बच्चा, जो औलाद अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, वो दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती। नो डाउट बेटियाँ पढ़नी चाहिए, करियर बहुत बड़ा है, सिर्फ बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली नहीं बनना है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, अच्छा इंसान बनना है। देर आर 36,000 अपॉर्चुनिटीज, समाज में काबिल लोगों की बहुत जरूरत है। किसने बोला नौकरी करने के लिए? नौकरी सिर्फ सीखने के लिए कर सकते हैं, नौकरी मकसद नहीं होना चाहिए। ये तिजारत है ना साहब, ढेर सारे तिजारत के तरीके हैं। सोच दीजिए ना, सोच दीजिए, पॉजिटिव सोच रहेगी। जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नया आसमान देता है। हमारी सोच उतनी से खाएंगा कैसा, कंफर्ट जोन कौन सा है, खाना और खाना, पूरी जिंदगी खाने की तरफ बन जाती है। पूरी जिंदगी का मिशन बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली। रिस्क देना अल्लाह का ना है ना साहब, हर एक को रिस्क देता है साहब, जो कुछ नहीं करता वो भी मजे में है। आज काबिल लोगों की बहुत जरूरत है। अपने बच्चों को स्मार्ट बनाइए, वादा खिलाफी नहीं करने वाला, झूठ नहीं बोलने वाला। तो बेटी को बचाओ, बेटा पढ़ाओ, कुछ भी हो, बेटों पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। प्लीज, ये इस वर्कशॉप का हासिल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कहाँ भी, इवन हमारी लेडीज, ख्वातीन, बेटियाँ जितनी इमोशनली और नेक होती हैं, उस मुकाबले में बेटे की तरबियत नहीं होने की वजह से वो खला हो गया। बहुत अच्छी बातें सईद साहब ने कही है, मेरे सामने बहुत छोटे, इसमें कोई शक नहीं, हमको देखा है और उनसे बता दिया। मेरे बारे में और कोई बताने की जरूरत नहीं कि 45 साल हो रहे हैं। मैं भी जो मिशन को लेके निकला था, मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल दस्तूर के दिए हुए, उसको दस्तूर हम समझते नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हमको मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है, बड़ा मुश्किल काम था। अल्लाह ने वो ले लिया, इस मुस्लिम कौम को 15
15 साल में मुझे समझाने के लिए लगे, मार खाना पड़ा जिंदगी में, मगर जब उनके समझ में आ गए कि ये नहीं, ये जो बात कह रहा है वो अपने फायदे वाली बात कह रहा है, तो उनके समझ में आने के बाद में आज अल्लाह का फजलोक्रम है जिसने हिंदुस्तान के अंदर आज पूरे आपके बेंगलोर में जो ओबीसी का जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटिक्स में उसका फायदा ले रहे हैं, बहुत जगह हर जगह से हर तरीके से उनको फायदा मिल रहा है। अल्लाह ने वो काम ले लिया, जैसे उन्होंने कहा मैं 76 में चल रहा हूँ, अभी 76 साल की मेरी उम्र है और कंटिन्यू दौड़ते रहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में दौड़ते रहता। दिलीप कुमार जब उन्होंने हमको सुना समझा तो वो हमारे लिए इतने पागल हो गए थे कि हमारे साथ जहाँ चाहते थे वो हमारे साथ आते थे। रियाज में उसके गवाह हैं कि बहुत साल के इसी एक गार्डन में उनको बुलाया था, हमने बैठे थे घंटा भर कम से कम रियाज भाई के साथ, दिलीप कुमार साहब बैठे, खाना खाए, बातें की उनसे, सांगली के अंदर प्रोग्राम में था, इन्होंने भी आए थे। खैर अल्लाह ने वो काम ले लिया है और यहाँ भी हमने बहुत कोशिश की रियाज भाई ने, उस वक्त गुप्तेदार बोल करके यहाँ मिनिस्टर हुआ करते थे और बड़ा बिरादरी का एक ही बिरादरी है जो यहाँ इंक्लूड नहीं है और उसके लिए कोशिश की गई थी। इंशाल्लाह ताला अभी भी हम नर्वस नहीं है, हो जाएगा। मैंने आज ही उनसे कहा कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला सेंट्रल में तो है मगर यहाँ भी हो सकता है, पूरा हमारे महाराष्ट्र में तो ये बिरादरी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत करीब आप सोलापुर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बागवान बिरादरी ने इसके कितने फायदे दिए हैं। मेरा नाम सईद अहमद है, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं सिंस लास्ट 20 ईयर से इस फील्ड में हूँ और गुलबर्गा शहर में खासकर मैं 2008 या 9 से आना जाना रहा है। आज हुसैन पब्लिक स्कूल में आज दूसरा दिन है, दो दिन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप हमारे मोहसिन और इस अदारे के रूई रवा मशहूर समाजी कारकुन इलियास साहब की दावत पे मैं गुलबर्गा आया हूँ और इससे कई बार मैं आ चुका हूँ। हमने बच्चों के साथ बात की, पेरेंट्स के साथ बात की और आज टीचर के साथ हम वर्कशॉप ले रहे हैं। आज के इस दौर में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंस भरी एजुकेशन को लेकर एक टेंशन होता है, उसको कैसे रिलीफ करें, खुद का विकास कैसे करें, ये वक्त की ज़रूरत है, तो आज हम टीचर के साथ यहाँ वर्कशॉप ले रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सईद सर पुणे से गुलबर्गा तशरीफ़ लाए थे तो हुसैन पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स और टीचर्स के प्रोग्राम्स हुए और फिर आज हुसैन इंटरनेशनल स्कूल में भी हमारे सईद सर का पेरेंट्स मोटिवेशनल प्रोग्राम हुआ और माशाल्लाह से बहुत कामयाब रहा और काफ़ी जो है अच्छी अच्छी बातें रही। तकरीबन ऐसी बातें नहीं जो आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर की हैं। ख़ास तौर पे ये जो बात है कि अभी पहले एक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब नई चीज़ जो आजकल के ज़माने के हिसाब से जो ज़रूरत है बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ बहुत ज़रूरी है, तो इस पर तफसील से हमारे सईद साहब के बयान इस पीछे से हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपको सोशल मीडिया में उसको बाइट वाइज जो है आपको सब दिखाएंगे इंशाल्लाह। बर मैं सईद सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको थैंक्स कि आपने इतने वक्त दे के आप इतना काम कर रहे हैं। आप चाहे तो दूसरी नौकरी भी कर सकते थे, दूसरा पेशा भी कर सकते थे, लेकिन वो छोड़कर ये पेशे को आपने जो चुना है कि तरबियत का पेशा है, क्योंकि जो कुछ भी होता है तरबियत से जो है बदलाव होता है, तो ओवरऑल बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जो यहाँ आए हुए पेरेंट्स इनका सबका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।